उस पानी में वो बोट चलवाएंगे और वो शायद शिप कोई आएगी बाहर से, हल्दिया से या कहाँ से मंगा रहे हैं, जिसको लेकर घुमाएंगे। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि 12 तारीख के उद्घाटन के बाद जैसे बाहरी योजना बाहरी सारी बाकी योजनाएं बंद हो गई, उस तरीके से ये भी योजनाएं बंद ना हो, लगातार वो शिप चलती रहनी चाहिए, 12 तारीख के बाद ही बंद ना हो। शिप दुग्ध अर्पित किया, फल फूल अर्पित किया और माँ गंगा से प्रार्थना की कि देश खुश हो, देश प्रसन्न हो, काशी के लोग प्रसन्न हो और माँ गंगा की जल्द से जल्द सफाई हो, यही उनसे हम लोगों ने प्रार्थना की है, आग्रह किया। आज के दिन ही क्या राष्ट्रीय नदी घोषित हुई? आज निश्चित तौर से मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद जो भी सरकारें चल रही हैं लगातार माँ गंगा की अपेक्षा हुई, उसमें एक हमारे कितने स्वामी चले गए, उसमें एक सानंद जी का भी अभी उनका उन्होंने अपनी, मैं कहूँ तो सरकार ने उनकी प्राण ली है, सरकार के दबाव, सरकार ने इतना दबाव बना दिया, सरकार ने इतना प्रेशर कर दिया कि वो बेचारे उनकी प्राण चले गए और उनका उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई, उनको ठीक ढंग से समुचित उनका इलाज अगर कराया जाता, समुचित अगर उनको पहले ये बता दिया जाता है कि नहीं माँ गंगा को हम साफ करेंगे, हम अविरल करेंगे, निर्मल करेंगे, उसकी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, इस नाते उनके प्राण चले गए और माँ गंगा को निरंतर केवल उपयोग किया जा रहा है।